आज सेशन 5 के वर्ड्स हैं। अब से पहले के जो 4 सेशन हुए हैं उसका रिवीजन बहुत अच्छे से कीजिएगा। सुनो बच्चों, एज आई वॉज टेलिंग यू कि भैया अब से पहले के जो 4 सेशन रहे हैं उनमें हम लोग 200 वर्ड्स कवर कर चुके हैं। कुछ बच्चों के हो सकता है सारे सेशन अटेंड ना हुए हों, कुछ कम अटेंड हुए हों। 24 सेशन के बाद जो 5वां सेशन होगा वो पहला वाला रिपीट होगा, क्योंकि 24 सेशन के लिए जो वर्ड्स का टारगेट है वो है करीब 1200 वर्ड्स। एक सेशन में 50 तो 24 सेशन में 1200 हो जाएंगे। अगर ये 1200 के मीनिंग्स आपने याद रख लिए तो 4 सितंबर को होने वाले एनडीए में या उसके फर्दर होने वाले एनडीए में एंटोनिम सिनोनिम के 20 सवालों में से कम 18 सही करोगे, ये निश्चित है। इसके अलावा रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हालांकि इधर बीच रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में आ नहीं रहा है लेकिन पिछले 3 बार से नहीं आ रहा है, चौथी बार हो सकता है आ जाए। उसके अलावा रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स तो होता ही है, कोई बात ही नहीं है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एज वेल एज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो वर्ड्स आते हैं वो भी यदि अटकेंगे तो इसी कैटेगरी से सोल्व हो जाएंगे, अटक ही नहीं रहे तो कोई समस्या ही नहीं है। कुल मिलाकर औपचारिक शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो भैया पहला वर्ड नोट करो, कैटलॉग। ये पिछले सेशन का अंतिम वर्ड है। कैटलॉग का मतलब प्रोस्पेक्टस था पिछली बार, तो इस बार क्या मतलब होगा? प्रोस्पेक्टस ही होगा ना। बच्चों कैटलॉग का मतलब क्या लिखे? प्रोस्पेक्टस। लिख लिए? आपको ऑलरेडी पता है कि कैटलॉग का मतलब होता क्या है? सूचीपत्र विवरणिका। सूचीपत्र नहीं, विवरणिका। सूचीपत्र होती है इंडेक्स। सूचीपत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडेक्स। ये है कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब प्रोस्पेक्टस। क्या मतलब है? लेकिन ये वर्ड नया है कि पुराना है? पुराना है, नया देखिए। कैटास्ट्रोफिक का मतलब लिखिए ट्रेजिक। शब्द ऊपर लिखा है, मतलब मैं बता रहा हूं। TRAGIC, ट्रेजिक। ट्रेजिक का मतलब संकट नहीं एग्जैक्टली, जब किसी चीज का समापन दुखों में होना हो तब उसको कहा जाएगा कैटास्ट्रोफिक। सुनो बच्चों, कुल मिला के जहां दुख हो अंत में, दुख हो अंत में, दुखांत, ट्रेजिक। ट्रेजिक शब्द बना है ट्रेजिडी से। किससे बना है? ट्रेजिडी। कुल मिलाकर कैटास्ट्रोफिक का मतलब लिखना है ट्रेजिक, TRAGIC। क्या लिखना है? ट्रेजिक। अगला लिखो कैथोलिक। यदि आप में से कोई अब से पहले चर्च गया है तो उसे इस शब्द का मतलब पता होगा। चर्च गया है कोई? नहीं, कुछ तो गए होंगे। कैथोलिक का मतलब होता है सर्वत्र व्याप्त, हर जगह फैला हुआ, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट अब से पहले सुने हो? अरे वो तो सुने होगे ना। ठीक है, कैथोलिक एक्चुअली क्रिश्चियंस दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भैया कैथोलिक, एक होते हैं नॉन कैथोलिक। जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में हिंदुओं में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो साकार पूजा करते हैं, एक वो जो निराकार करते हैं। साकार मतलब 99% हिंदू साकार पूजा ही करते हैं कि हमने विष्णु भगवान, दुर्गा देवी, हनुमान जी, लक्ष्मी जी की तस्वीरें बना रखी। क्या विष्णु जी को किसी ने देखा है? अरे देखा है, केवल कल्पना के आधार पे उनकी एक तस्वीर बना दी। इस प्रकार के हिंदुओं को कहा जाता है साकार उपासक, और जो किसी की मूर्ति का पूजा नहीं करते वो होते हैं निराकारी। इसी तरीके से क्रिश्चियंस होते हैं कैथोलिक और नॉन कैथोलिक। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैला हुआ धर्म कौन सा है? क्रिश्चियनिटी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैला हुआ, 7 महाद्वीपों में पाया जाता है ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी। तो कैथोलिक से याद रखिए जो पूरी दुनिया में फैला हो, ओमनी प्रेजेंट। अगला कैटी का मतलब लिखिए क्वेरल सम, झगड़ालू। कैटी को याद रखना है बिल्ली से, जैसे बिल्ली होती है कैट, उसी से याद रखिए कैटी, क्वेरल सम, झगड़ालू। क्वेरल सम की स्पेलिंग तो पता होगी? अरे क्वेरल लिखो, सम लिखो, जोड़ दो, एक भी लेटर हटाना नहीं है। क्वेरल की प्रॉपर स्पेलिंग
SOME सम की प्रॉपर स्पेलिंग, दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा क्वेरल सम। क्वेरल सम का मतलब झगड़ा लो। अगला वर्ड देखो कॉशन, ये शायद पता होगा। कॉशन माने चेतावनी, अलर्ट, अलार्म, वार्निंग, ये सब कॉशन का मतलब है। कॉशन का मतलब अलर्ट, अलार्म, वार्निंग, चेतावनी, ऐसा कुछ भी। जैसे सिगरेट की डब्बी पे लिखी रहती है कॉशन, स्मोकिंग किल्स, लिखी रहती है, देखे हो? यस सर। हाँ, जैसे वाइन की बोतल पे लिखा रहता है ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्या लिखा रहता है? इस इंस्ट्रक्शन से एक ये भी बात याद रखो, शब्द इंजूरियस के बाद कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? टू। इंजूरियस के बाद कौन सी प्रीपोजिशन? टू। और किसी प्रीपोजिशन को इंजूरियस के बाद यूज कर पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही सिगरेट की डब्बी पे पहले लिखा आता था स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसके पहले हेडिंग क्या डली रहती थी? कॉशन। तो वो कॉशन मतलब चेतावनी, अलर्ट। अगला लिखो कैवालकेड। कैवालकेड का मतलब लिखो घुड़सवार सेना। घुड़सवार सेना, घोड़े पर चलने वाली सेना, घोड़े पर चलने वाली सेना को कहा जाता है कैवालकेड। क्या कहा जाता है? कैवालकेड। अब देखो ये सेना ही हो कोई बहुत जरूरी बात नहीं है, यहां सेना के अलावा कुछ भी हो सकता है, बस एक घोड़ा और पब्लिक होनी चाहिए। अब जैसे शादियों में घोड़े पर दूल्हा जाता है, उसके पीछे बराती नाचते रहते हैं, उसको भी क्या कह सकते हैं? कैवालकेड। जैसे फायर ब्रिगेड के लोग होते हैं या गश्त करने वाले पुलिस वाले होते हैं, घोड़े पर चलते हैं, उनके पीछे कुछ सिपाही भी हो सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कैवालकेड। इसका इंग्लिश में सिनोनिम लिखो प्रोसेशन, PROCESSION, PROCESSION, बीच में से निकलिए, PROCESSION, प्रोसेशन लिख लिए? अरे प्रोसेशन लिख लिए? तो कैवालकेड का मतलब क्या है? प्रोसेशन। कैवियट, इसका भी मतलब होता है वार्निंग। कैवियट, इसका भी मतलब है वार्निंग। लिखो लिखो। कैवियट को याद रखने के लिए आपको देखना है इसके शुरू के चार लेटर। शुरू के चार लेटर क्या हैं? केव। केव माने गुफा। गुफा में कौन रहता है? शेर क्या करता है? खा जाता है। लास्ट के तीन लेटर क्या हैं? ईट। तो कैवियट को याद रखिए गुफा से, गुफा में शेर होगा, शेर खा जाएगा और खाने से पहले चेतावनी नहीं दे। आगे लिखो केविल। केविल का मतलब ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब आपत्ति जताना, ऑब्जेक्ट का मतलब आपत्ति जताना। तो ये है शब्द है केविल। देखो आजकल तो DTH का जमाना है, तुम लोगों के बचपन में तुमने सुना होगा केबल कनेक्शन, ऐसा कुछ सुने हो? जानते हो? हालांकि तुम लोगों की पीढ़ी में केबल कनेक्शन का ज्यादा चलन नहीं है, 2003-2004 तक DTH का आविष्कार भी नहीं हुआ था। उस समय घरों में जो कनेक्शन चलते थे वो केवल केबल टीवी के आधार पर चलते थे, और जब केबल कट जाती थी तो उसके घर 25 बार फोन करना पड़ता था। केबल कट जाती थी या सिग्नल वीक होता था या नहीं आता था, मतलब तो कुल मिला के केबल अगर काम नहीं करती थी तो करना पड़ता था ऑब्जेक्ट। क्या करना पड़ता था? ये जो शब्द ऑब्जेक्ट है ये वर्ब भी है नाउन भी है। क्या क्या है? वर्ब और नाउन। अब यहां जो ऑब्जेक्ट लगेगा या यहां जो केवल है, केविल है, ये वर्ब है कि नाउन है? ये वर्ब है, क्योंकि इसका मीनिंग हिंदी में है आपत्ति करना। क्या मीनिंग है? अगला लिखो कैवर्ट। कैवर्ट का मतलब लिखो डांस, नाचना, खुशी में नाचना। अगला लिखो सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब लिखो अनमैरिड। क्या सर? अनमैरिड। सेलिब्रेट का मतलब हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में आपने लिखा अनमैरिड, वैसे अनमैरिड को कायदे में सही इंग्लिश में कहते हैं बैचलर। क्या कहते हैं? बैचलर। तो
तो सेलिब्रेट का एक सिनोनिम भाई प्योर भी होता है, P-U-R-E, प्योर, प्योर माने शुद्ध। लेकिन ये नहीं है कि प्योर दूध की बात करो तो कह दो सेलिब्रेट मिल्क, ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है। वो मतलब इंसान के लिए ही लगेगा, दूध के लिए नहीं लगेगा। सेलर, C-L-L-A-R, सेलर का मतलब लिखो रूम इन अ बेसमेंट। सेलर का मतलब लिखो रूम इन अ बेसमेंट, और हिंदी में लिख लो तहखाने का कमरा। हिंदी में क्या लिख रहे हो? तहखाने का कमरा। देखो बॉर्डर पे जो खंदक बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, जिसमें बैठ के सोल्जर्स फायरिंग करते हैं, उसको भी कह सकते हैं सेलर, क्योंकि वो भी जमीन के नीचे बनाई जाती है। आगे लिखो सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब क्रिटिसाइज। सेंश्योर और सेंश्योर का मतलब क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है हिंदी में? क्या करना? हाँ, क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना। मैं पूछ रहा था बच्चों, क्रिटिसाइज इज अ पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड और न्यूट्रल वर्ड? देखने में नेगेटिव लगता है लेकिन न्यूट्रल वर्ड है। क्रिटिसाइज माने दुर्लोचना नहीं होता, क्रिटिसाइज माने आलोचना होता। नाउ हिंदी में आलोचना मे बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज सुलोचना, वन इज दुर्लोचना। सुलोचना में वी टॉक अबाउट पॉजिटिविटीज, और दुर्लोचना में वी टॉक अबाउट। शब्द आलोचना देखने में नेगेटिव लगता है लेकिन बेसिकली होता है न्यूट्रल, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो सेंश्योर को श्योर से याद रखना है। शब्द के लास्ट में जो लेटर आए हैं आप भली भांति जानते हैं, भैया श्योर जानते हो ना? श्योर का क्या मतलब होता है? पक्का, निश्चित। सेंश्योर मतलब आलोचना। अगला लिखो सेंट्रीफ्यूगल। ये लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, पता होगा, फिजिक्स में सब पढ़े हो। अवे फ्रॉम द सेंटर, किसी भी रोटेशनल मोशन में लगने वाला वो फोर्स जो रोटेशनल मोशन के ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर की तरफ ले जाता है, उसे क्या बोलते, उस फोर्स को क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल। पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर और सोलर सिस्टम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बैलेंस पर ही काम करता है। अगला लिखो सेरिमोनियस। अब ये जो सेरिमोनियस है ये बना है सेरिमनी से। देखो इसके पहले वाला जो था सेंट्रीफ्यूगल, इसको इंग्लिश में क्या लिखे थे? हाँ, अवे फ्रॉम द सेंटर। अब अगला है ये सेरिमोनियस, ये बना है सेरिमनी से। सेरिमनी माने होता है उत्सव, सेरिमनी माने उत्सव। आगे लिखो, पहले इसको पढ़ के बताओ ये लिखा क्या है, चेफ या कैफ या शेफ? देखो सी एच वाले लेटर, सी एच का कॉम्बिनेशन, ये का से कबूतर भी होता है, शा से शलजम भी होता है, और चा से चम्मच भी होता है। तो सी एच ए कहीं चा, कहीं का, कहीं शा, ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि शब्द का ओरिजन क्या है। शब्द के ओरिजन का मतलब इंग्लिश में जो चीजें आप अभी जानते हैं या आपने पढ़ी हैं, वो केवल दो चीजें होंगे। एक तो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा जिस चीज पर आप थोड़ा फोकस करते होंगे वो है किसी भी शब्द का प्रोनंसिएशन। यही दो चीजें हैं ना? लेकिन इन दोनों चीजों के अलावा इंग्लिश की एक और ब्रांच होती है और उसका नाम होता है क्या लिखा है? ऑर्थोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ इंग्लिश इन विच वी टॉक अबाउट ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ये भी ध्यान रखिएगा, चेफ अगर नाउन होगी तभी ये मतलब होगा। चेफ वर्ब भी होती है, वर्ब में इसका मतलब लिखिए किसी का मजाक उड़ाना, मॉकरी, M-O-C-K-E-R-Y। तो भैया चेफ अगर नाउन होगी तो इसका मतलब क्या है? नालायक। अगर नाउन होगी तब इसका मतलब है स्ट्रॉ। अगर ये वर्ब होगी तो इसका मतलब क्या है? मौकरी। अगला पहले पढ़ के बताओ क्या लिखा है। अब ये है शैग्रिन,
ये चैग्रिन नहीं है, ये है शैग्रिन। यहां शा से शलजम की साउंड है, शैग्रिन। इस शब्द का उच्चारण प्रोनंसिएशन है शैग्रिन। क्या है? फिर से बोलो, फिर से बोलो एक बार और। इसका मतलब है दुखों में डूबा हुआ, निराश या डिसअपॉइंट। इसका इंग्लिश में क्या लिखे? डिसअपॉइंट के अलावा लिख लो होपलेस। डिसअपॉइंट के अलावा लिख लो होपलेस। ये बताओ बच्चों, ये जो शब्द है ध्यान से सुनो, ये है करिज, करिज्मा। यहां शा से शलजम की साउंड नहीं है लास्ट वाले एस में, ये जा से जिंदगी वाली साउंड है। जो गजल में जा होता है वही वाली साउंड है। इसका मतलब लिखो मास अपील। मास एम ए डबल एस मास, अपील ए डबल पी ई ए एल, मास अपील। हिंदी में इसका मीनिंग लिखो पूरी जनता पर पड़ने वाला प्रभाव। जैसे मोदी जी कुछ बोल देते हैं तो पूरी जनता पे थोड़ा असर पड़ जाता है। आगे लिखो चार्टर। चार्टर का मतलब लिखो कानून, लॉ, एल ए डब्ल्यू। चार्टर का मतलब लिखो लॉ, एल ए डब्ल्यू। भाई जैसे 1947 में देश आजाद हुआ, कानून लागू कब हुआ? 1950। बीच में गैप कितना आया? तो 3 साल देश कौन से कानून से चला? चार्टर एक्ट 1934। कौन से कानून से चला? चार्टर एक्ट। चार्टर शब्द का मतलब ही होता है लॉ। चार्टर शब्द का क्या मतलब होता है? लॉ। लॉ माने कानून, तो चार्टर माने कानून। आगे लिखो चेरी। ये चेरी है कि कैरी है? चेरी। चेरी इसका भी मतलब लिखो वार्निंग, वार्निंग चेतावनी, कॉशन। शब्द चेरी का मतलब लिखो वार्निंग, चेतावनी, कॉशन। लिख लिया? अब देखो चेरी एक फल का नाम भी होता है। उसका कलर कैसा होता है? रेड। रेड किस चीज का सिंबल है? खतरे का। खतरे में क्या देनी पड़ती है? चेतावनी। तो चेरी का मतलब क्या है? वार्निंग। अगला लिखो चेस्टन। चेस्टन का मतलब लिखो पनिश, दंड देना। पनिश, दंड देना। चेरिश, चेरिश चैरिटी नहीं, चेरिश का मतलब लिखो फीड, एफ डबल ई डी। पढ़ के बताओ क्या लिखा है? ये है केमिकल, केमिस्ट्री वाला सी एच है। इसका मतलब लिखिए केमिकल, मतलब केमिकल तो वर्ड है। इसका मतलब लिखो इमेजनरी, इमेजनरी काल्पनिक। या तो इसका मतलब लिखो वर्चुअल, या तो मतलब लिखो वर्चुअल, वी आई आर टी यू एल। जैसे इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल होता है लेकिन किस अवस्था में? वर्चुअल अवस्था में। इंटरनेट की दुनिया को कहा जाता है वर्चुअल वर्ल्ड। क्या कहते हैं? तो शब्द क्या है? केमिकल, और मतलब क्या है? वर्चुअल। अगला है कोलेरिक, और इस कोलेरिक का मतलब लिखो कैटी। शब्द है कोलेरिक, कोलेरिक का मतलब लिखो कैटी, सी ए डबल टी वाई, कैटी। लिख लिए? कैटी का मतलब क्वेरलसम। तो कोलेरिक का मतलब, कोलेरिक का मतलब। आगे लिखो क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब लिखो वेरी ओल्ड, बहुत पुराना, वेरी ओल्ड। एंशियंट कुछ ज्यादा ही पुराना हो जाए। क्रोनिक ऐसे यूज किया जाता है जैसे मैंने कह दिया
माय ग्रैंडफादर इज अ पेशेंट इज अ क्रोनिक पेशेंट ऑफ शुगर माय ग्रैंडफादर इज अ क्रोनिक पेशेंट ऑफ शुगर तो यहाँ हम एंशियंट पेशेंट नहीं लिख सकते एंशियंट पेशेंट मतलब दादाजी हैं सिकंदर आजम के जमाने के थोड़े ना है बस 70 साल 75 साल 80 साल मैक्सिमम उतना पुराना तो एंशियंट क्या है ऐसी चीजें जो म्यूजियम में रखने लायक हो उनके लिए एंशियंट लगता है लेकिन दादाजी के लिए एंशियंट का इस्तेमाल नहीं होगा दादाजी मनुष्य हैं उन्हें म्यूजियम में रखने का कोई मतलब नहीं है तो दादाजी के लिए क्या लग सकता है क्रोनिक क्रोनिक मतलब भी वेरी ओल्ड एंशियंट मतलब भी वेरी ओल्ड लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है हम दोनों को हर कीमत पर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते अगला लिखो चरलिश 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 का मतलब लिखो वल्गर अश्लील असभ्य असामाजिक इंडिसेंट वी यू एल जी ए आर ऐसे दृश्य ऐसी बातें ऐसे शब्द जो हमको समाज के अन्य लोगों के सामने प्रयोग नहीं करने चाहिए उनको कहा जाता है असभ्य या तो अश्लील या तो असामाजिक या तो वल्गर या तो इंडिसेंट इंडिसेंट भी इसी से बना है चरलिश आगे लिखो सरकमस्क्राइब ये पता होगा जो भी शब्द CIR से शुरू हो जाएगा वो 360 डिग्री का सेंस देगा इसी से बनता है सर्किल इसी से बनता है सर्कमफेरेंस मतलब 2πr इसी से बनता है सर्किट फिजिक्स का शब्द है सर्किट CIR CUIT सर्किट का मतलब परिपथ सर्कमस्क्राइब का मतलब लिखो गोल गोल बताना गोल गोल बताना मुद्दे की बात ना करना सीधी बात ना बताना इंग्लिश में मतलब लिखो नॉट टू स्पीक टू द पॉइंट बच्चों शब्द लिखे CIT साइट लिख लिए साइट का इंग्लिश में मतलब लिखो कोट QUOT कोट QUOT कोट कोट का मतलब उल्लेख करना साइट से अगला वर्ड नोट करिए सिविल CIVIL सिविल सिविल इंजीनियर आपने सुना होगा इसी सिविल का मतलब होता है डोमेस्टिक